सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़र, आज हमारे पास डरवन ब्रांड की ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो कि 24 पेंसिल का सेट है, और प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आपको 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, अगर ऑफ़र वगैरह है तो 2000 के नीचे आपको मिल जाएगा, बट जनरली आपको 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इसको परचेस करने के लिए। और अगर मैं पर पेंसिल कॉस्ट निकालूँ तो 80 से 90 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। और ब्रांड कहाँ की है, यूके की ब्रांड है, अमेजिंग सी पेंसिल है। पर्सनली मैंने इसको यूज़ तो नहीं करा है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने इसको यूज़ करते हुए देखा है, और उनके रिव्यूज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पेंसिल बहुत अमेजिंग है। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, उसके साथ प्राइस भी हाई है। अगर आप पूरा सेट खरीदते हो तो 2000 रुपये बहुत कम नहीं होते हैं। तो इसके 12 पेंसिल का सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 1000 रुपये के आसपास में आपको देखने मिल जाएगा। 6 पेंसिल का सेट आता है या नहीं आता है मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ये भी लिख देना कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये पेंसिल यूज़ कर चुके हैं। तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। पेंसिल डब्बे के ऊपर कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, ब्रांडिंग है, कलर यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ब्लैक हो सकता है, और सारे ग्रेड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि डरवन ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज ओनली फाइन, तो अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है। एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से, और देखते हैं कि किस तरीके का मुझे देखने को मिलता है, और एक्सपीरियंस कैसा होता है। वैसे एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी हाई हैं, क्योंकि नई ब्रांड नहीं है और वेल नोन ब्रांड है, तो इस तरीके की देखने को मिलती है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके का मुझे देखने को मिलता है। ओके, तो लुक बहुत ही सिंपल है, मैट फिनिश है, ब्लैक कलर है, तो शाइन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये वाला पार्ट है जो शाइन कर रहा है, तो इस तरीके का लुक देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मैंने नोटिस करा कि ये बहुत लाइट वेट है, इसकी जो वुड है बहुत हल्की है, तो बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइन से ही सारे ग्रेड्स रखे होंगे। तो टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, एक HB यूज़ कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, 2 HB हैं यहाँ पे, तो ये मैं देख लेता हूँ। उसके बाद एक मैं 4B देख लेता हूँ, क्योंकि जो लाइट ग्रेड की पेंसिल्स हैं मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास है तो अलग अलग ग्रेड की पेंसिल को एक्सप्लोर करो, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हायर ग्रेड की पेंसिल्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये 4 पेंसिल्स हैं, इससे क्वालिटी और किस तरीके का पेंसिल देखने को मिलता है ये मुझे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लुक तो मैंने बता दिया, मैट फिनिश है, आपको मैट फिनिश टाइप के पेंसिल अगर अच्छे लगते हैं तो आपको ये पेंसिल बहुत सही लगने वाले हैं। उसके बाद शार्प करके मैं देख लेता हूँ। तो मैं ज़्यादातर वीडियो में इस टाइप के जो शार्पनर है उससे शार्प करता हूँ। तो बीच में मुझे कुछ कमेंट देखने को मिला था कि यार आपका जो किसी पेंसिल में मैंने बोला था कि वुड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं शार्प कर रहा था तो एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि हो सकता है कि आपका जो शार्पनर है वो अच्छा नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हो सकता है कि ये शार्पनर पुरानी हो, अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हो, बट एक और चीज़ बता दूँ आपको कि यही शार्पनर से मैं दूसरे पेंसिल, जो दूसरे ब्रांड की पेंसिल्स है उसको शार्प करता हूँ, और वहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट सा एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पे डिफरेंट सा मिला है, वहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पे पेंसिल अगर टूट रही है, तो यहाँ से डेफिनेटली पता चलता है कि कंपेरेटिवली वो जो जहाँ पे जो पेंसिल टूट रही है उसकी जो वुड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से। तो यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार मैं इससे शार्प करूँगा, उसके बाद मैं इससे भी कर लूँगा, क्योंकि इसमें टूटने के जो चांसेस होते हैं लीड के वो बहुत कम होता है और बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें मैं मेरे हिसाब से तो इसमें बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो मेन ये वाली है कि ये वाले शार्पनर से कैसा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ऑलरेडी हाई हैं। ओके, एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जो भी आप पेंसिल को शार्प कर रहे हो
और इस तरीके से आपको देखने को मिलता है वुड। तो इससे आप ये गेस कर सकते हो कि इसकी वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर ये बार बार ब्रेक हो रही है तो वुड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको शार्प करने के बाद जो 4B है बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है और वुड की क्वालिटी अमेजिंग है। ओके, अगेन यहाँ पे देखो ये चीज़ बताती है कि वुड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बहुत स्मूथ है और इसमें मुझे स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है, तो डेफिनेटली इसमें तो और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इससे भी मैं साफ कर देता हूँ। और अगर आपने साउंड ध्यान से सुना होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वुड की क्वालिटी अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि जितने पेंसिल मैंने अभी तक ट्राई करे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो 2000 से नीचे वाले पेंसिल्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के मैंने ट्राई करे हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स रह गया, उसको मैं देखूंगा आगे, अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा। अगर उन सभी से मैं कंपेयर करूँ ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट है वुड की क्वालिटी। तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा है बट क्वालिटी भी अच्छी है। तो क्वालिटी जब अच्छी मिलती है तो प्राइस पे करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वाला पेज मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिप्स बनाई थी जो मैंने फेसबुक ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ये वाली जो पेपर है वो ब्रिस्टल पेपर है, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि डार्कनेस इतनी अच्छे तरीके से ऑप्ट नहीं हो पाती है। तो डार्कनेस चेक करने का ना ये बहुत बढ़िया सा ऑप्शन तरीका है। अगर मैं ये वाला सीट पे इसको अप्लाई करता तो ये बहुत, क्योंकि ये टेक्सचर पेपर है तो यहाँ पे डार्कनेस ऑप्ट करना इजी है, तो वहाँ पे पता नहीं चलता। मैं ब्रिस्टल पेपर इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे डार्क रिजल्ट मिलते हैं देन ओके। तो ये 7H है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट ग्रेड की पेंसिल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डार्कनेस तो नहीं मिलने वाली है। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 7H होने के बावजूद, क्योंकि जो लाइट ग्रेड की पेंसिल है इतनी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं होती है जब आप उसको अप्लाई करते हो तो, बट बहुत स्मूथ सा एक्सपीरियंस है इसका। उसके बाद मैं HB ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो इसकी एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी डार्कनेस ना हल्की सी कम है। अगर मैं दूसरे पेंसिल जैसे कि टोम्बो से अगर मैं कंपेयर करूँ, स्टेनलेस से भी कंपेयर करूँ, तो स्टेनलेस से हल्का सा कम डार्क है, बट एक्सपीरियंस तो अमेजिंग है। ओके, तो ये 4B वाली ना आपको मैं पास से दिखाना चाहता हूँ। इसकी आउटकम देखो यार, कितनी अमेजिंग तरीके से ये सेड हुआ है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इतना ध्यान दे के मैंने सेड नहीं किया था, नॉर्मली मैं सेड कर रहा हूँ, बट कितना अच्छे तरीके से ये सेड हुआ है। तो इसकी क्वालिटी अमेजिंग है यार, अभी तक जितने मैंने पेंसिल करे हैं वन ऑफ द बेस्ट है। थोड़ा सा डार्कनेस में भी हो सकता है कि ये जो ब्रिस्टल पेपर है और स्मूथ साइड के साइड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा डार्कनेस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 9B है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास दूसरे ब्रांड की पेंसिल है जैसे कि स्टेडलर, उसके जैसे HB है मेरे पास स्टेडलर की, यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है पेज की वजह से, क्योंकि इस वाले पेज पे डार्कनेस इतनी आसानी से अचीव नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा स्लाइटली देखोगे तो ये जो है, बट इसकी फाइननेस देखो अमेजिंग है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हुआ है बिना ब्लेंड करे हुए। डार्कनेस अगर कंपेयर करोगे इससे स्टेनलेस से, जैसा कि मैंने बताया एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आ गया था कि हल्का सा कम डार्क है, बट अब अमेजिंग इसका जो आउटकम है ना वो बहुत अमेजिंग है। उसी के साथ मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ, फेबर कैस्टल 9000 की HB पेंसिल। और फेबर कैस्टल 9000 जब मैंने रिव्यू किया था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि इसकी डार्कनेस इसकी कम है, और ये बहुत सिमिलर है ये दोनों। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट पेंसिल कौन सा है, तो अभी तो ये है, बाकी आगे देखते हैं कोई और अच्छी ब्रांड आती है। तो पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो लीड की क्वालिटी है डार्कनेस थोड़ी सी कम है बट
क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और इसका मेन जो कलर है, लुक है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्वालिटी जहाँ तक मैंने देखा बहुत अमेजिंग है। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेंसिल वर्थ इट है या नहीं। तो डेफिनेटली वर्थ इट है यार। पैसे पर पेंसिल मैं देखूँ तो लगभग 80-90 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि आप दूसरे ब्रांड में भी जाओगे जो प्रीमियम ब्रांड्स है उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही देना पड़ता है। तो वुड की क्वालिटी अमेजिंग है, आउटकम जो लीड का जो जब आप अप्लाई करते हो उसका जो एक्सपीरियंस है अमेजिंग है। बट एक चीज़ में थोड़ा सा आप अगर आप कंपेयर करोगे टोम्बो और स्टेडलर से, डार्कनेस थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, पर जब आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होगा। तो 24 पेंसिल वाला सेट, तो अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, बट अगर थोड़ा सा बजट आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप 12 पेंसिल का जो सेट है वो डेफिनेटली ले सकते हो। बिल्कुल आप निराश नहीं होगे जब आप उसको परचेस करोगे। अमेज़ॉन से लेना चाहते हो, जहाँ से भी लेना चाहते हो, अमेज़ॉन का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। अमेजिंग सा पेंसिल है। जो टॉप के जो पेंसिल्स हैं जैसे स्टेडलर, टोम्बो, फाइबर क्रिस्टल 9000, उसके टक्कर का डेफिनेटली है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।